आज की पांचवी बड़ी खबर, रुपए में आ रही लगातार गिरावट और शेयर बाजार की उथल पुथल से देश में खलबली मची है। इस बीच प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि देश को 1991 जैसे हालात में जाने नहीं देंगे। 1991 में देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था और पेट्रोल ब्लैक में 100 रुपए लीटर तक बिक रहा था। रुपए में गिरावट और शेयर बाजार में खलबली के बाद प्रधानमंत्री को भरोसा देने के लिए सामने आना पड़ा। लोगों के मन में उस डर को दूर करना पड़ा कि क्या 1991 जैसे हालात फिर पैदा होंगे, क्या देश को एक बार फिर सोना गिरवी रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भरोसा दिलाया कि किसी भी हाल में देश को 1991 की हालात में जाने नहीं देंगे। देश में 1991 के आर्थिक संकट के हालात पैदा नहीं होने देंगे, हम रुपए में गिरावट को दुरुस्त कर रहे हैं। दरअसल 1991 के आर्थिक संकट की शुरुआत 1985 से शुरू हुई थी। 1990 के आते तक ये संकट बड़ा हो गया। विदेशी आयात सुचारू रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त गिरावट आ गई। हालात ये हो गई कि सोना गिरवी रखकर आईएमएफ से लोन लेने की नौबत आ गई। एक बार फिर कुछ ऐसा ही डर लोगों को सता रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री को भरोसा देना पड़ा। 1991 में विदेश विनिमय के लिए जो हमारे पास रिजर्व था वो महज 15 दिन के लिए था, लेकिन हमारे पास अभी ये रिजर्व आने वाले 6-7 महीनों के लिए है। अर्थशास्त्र के माहिर पीएम भरोसा दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष को उनके भरोसे पर यकीन नहीं है।